हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए आज का नेक्स्ट क्विज लेके आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कोई नया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लेना ताकि टाइम पर नोटिफिकेशन पहुंच सके। और हाँ, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती है अगर किसी को, तो आप सभी बेल आइकन दबा लीजिए। और बेल आइकन दबाएंगे तो उसमें आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें आपको ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, फिर सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो जल्दी से बताइए, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? 5 सेकंड का टाइम मिलेगा सभी को। फिफ्थ का फर्स्ट का आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी? जल्दी आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। चलिए टाइम अप होता है, इसका आंसर होगा लैंड स्टीनर। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने की थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नीचे ये अरस्तु दिए हुए हैं, ये क्या है? इन्हें बायोलॉजी के फादर माना जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट है ये भी। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? अब बताइए कौन सी धातु पाई जाती है भूपटल में सबसे अधिक? कौन सा मेटल पाया जाता है? लोहा, तांबा, जस्ता या एल्यूमिनियम? इंग्लिश वालों के लिए भी मैंने लिख रखे हैं ब्रैकेट में, आयरन, कॉपर, जिंक या एल्यूमिनियम, बताइए जल्दी से। ओनली 5 सेकेंड्स। चलिए टाइम अप होता है, इसका आंसर क्या होगा? एल्यूमिनियम। भूपटल में सबसे अधिक धातु यानी कि मेटल कौन सा पाया जाता है? एल्यूमिनियम पाया जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा तत्व कौन सा है, किस चीज से बना हुआ है, तो आंसर होगा ऑक्सीजन। ओके, तो मेटल पूछा जाए तो एल्यूमिनियम और तत्व पूछा जाए तो कौन सा यूज हुआ है? ऑक्सीजन। ओके, ईडियम। अब नेक्स्ट है ईडियम। आपको पता है एचएससी में ईडियम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एंटोनिम सिनोनिम पूछे जाते हैं। तो डेली की आपकी ड्यूटी है ये कि आपको जो भी मैं 4 यहाँ के इंग्लिश के क्वेश्चन कराती हूँ वो आपको याद होने चाहिए। रात को डेली सोने से पहले क्विज के बाद आपको ये 4 वर्ड याद करके सोने हैं और एक बार सुबह उठ के फिर से रिवीजन कर लेने हैं। इससे आपको डेली के 4 इंग्लिश के क्वेश्चंस याद होते रहेंगे और आप खुद सोचिए आपको कितनी सारी वो कैब याद हो जाएगी महीने भर में। तो बताइए, ही शुड फेस द म्यूजिक फॉर व्हाट ही डिड। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? गेट रेप्रीमेंडेड, यानी कि डांट पड़ना। ओके, फेस द म्यूजिक, गेट रेप्रीमेंडेड, किसी चीज के लिए डांट खाना, ठीक है, निंदा सुनना किसी चीज के लिए। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एन इमेजिनरी नेम एज्यूम्ड बाय एन ऑथर, यानी कि कोई भी अपनी मर्जी से इमेजिन किया हुआ यानी कि काल्पनिक नाम सोचना किसी भी ऑथर के द्वारा। अब आपको पता होगा बहुत सारे ऑथर्स ऐसे होते हैं उनका नाम कुछ और होता है लेकिन वो कोई और नाम अपना लेते हैं। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, स्यूडोनिम, निकनेम, पेट नेम या होमोनिम, क्या बोलते हैं उसको जो ऑथर इमेजिनरी नेम लेता है? फोर्थ का आंसर ए, बी, सी या डी, जल्दी 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 बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? स्यूडोनिम, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, याद होना चाहिए। हिंदी में इसको बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मीन। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अभी एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है और आपको पता है क्रांति पेपर में पूछी जाती है। तो बताइए रजत क्रांति इनमें से किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन, अंडा उत्पादन, मसाला उत्पादन या नदी जोड़ो परियोजना, बताइए जल्दी से। फिफ्थ का आंसर क्या होगा? चलिए टाइम अप हो चुका है, आई होप सबने आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? अंडा उत्पादन, रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और नीचे लिखा हुआ है नदी जोड़ो परियोजना। मैंने आपको एनिमल हस्बेंड्री की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज कराई ना उसमें बताया था नदी जोड़ो परियोजना कौन सी क्रांति है। तो बताइए मुझे जल्दी से नदी जोड़ो परियोजना की क्रांति का क्या नाम था? नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त में कौन सी संधि है? बताइए अब इस शब्द में कौन सी संधि है उपयुक्त में? दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है या अण संधि है, जल्दी बताइए। देखिए जिसको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी की मैं फिर बोल रही हूँ आपको, हिंदी में अच्छे से करा दूंगी आपको, ठीक, थ्योरी भी करा दूंगी, क्विज भी करा दूंगी, हिंदी की गारंटी मेरी है। ओके, तो इसमें कौन सी संधि है? यण संधि है। अब यण संधि क्यों है इसमें, रीजन बताती हूँ मैं आपको। जब भी कभी आपको आधा शब्द मिल जाए ना ऐसे पहले, तो वहाँ यण संधि मिलती है हमेशा, फैक्ट है ये। ओके, मैं आपको और सभी शब्दों की भी प्रैक्टिस करा दूंगी, एनिमल हस्बेंड्री खत्म होते ही आपकी स्टार्ट कर दूंगी मैं हिंदी। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अफ्रंट? तो बताइए अफ्रंट का सिनोनिम क्या होगा? एग्जाइल, कंटर, इरप्शन या इंडिग्निटी, बताइए जल्दी से। सेवंथ का आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए 5 सेकंड्स कंप्लीट, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि इंडिग्निटी। ओके, अफ्रंट। अब देखिए अफ्रंट का मतलब क्या होता है? किसी का अपमान करना, तिरस्कार करना, बेइज्जती करना। ओके, और इसका जो सिनोनिम होगा ये इंडिग्निटी, इसका मतलब भी सेम ही होता है। देखिए मैं आपको फिर बोल रही हूँ, जो मैं इंग्लिश के 4 क्वेश्चंस कराती हूँ ना आपको डेली याद होने चाहिए।
अभी सोते वक्त ये चारों वर्ड्स आपको याद करने हैं और सुबह उठ के फिर रिविजन करने हैं। वट इज द एंटोनियम ऑफ एडुलेशन? तो बताइए एडुलेशन का एंटोनियम क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी या डी, क्रिटिसिज्म, प्योरिटी, एम्बिग्यूस या एक्लेट्स। बताइए जल्दी से, एक्लेट्स, क्रिटिसिज्म, एम्बिग्यूस या प्योरिटी, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका, ए बी सी या डी। चलिए 5 सेकंड्स कंप्लीट होती है, 8th का आंसर क्या होगा, क्रिटिसिज्म। अब देखिए एडुलेशन क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना, ओके, किसी काम के लिए। और अब एडुलेशन यानी कि प्रशंसा करना का उल्टा क्या होता है, किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना, किसी के काम में गलतियां निकालना, कमियां निकालना। तो क्या हो गया, क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म का मीनिंग होता है ये। तो एडुलेशन का एंटोनिम क्या हो गया, क्रिटिसिज्म। ओके, प्रशंसा करना, इसका उल्टा होता क्या है, गलतियां निकालना, त्रुटि निकालना किसी के काम में। तो आई होप सबको याद हो रहे होंगे ये इंग्लिश वर्ड्स, कहीं पे इन्हें या तो नोट कर लीजिएगा, आपको डेली ये वर्ड्स याद होने चाहिए और सुबह उठकर एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। आप खुद सोचिए आपको महीने भर में कितने वर्ड्स याद हो जाएंगे ऐसे ही, वो भी बिना किसी मेहनत के। त्रिनेत्र में कौन सा समास है? तो बताइए त्रिनेत्र में कौन सा समास है, आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। देखिए हिंदी में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन आपके इंक्लूड कर दिए हैं। धीरे धीरे करके मैं आपके और भी क्वेश्चन क्विज स्टार्ट करूंगी हिंदी पे अलग से, एनिमल हस्बेंड्री के बाद। तो आई होप सबने आंसर दे दिया होगा, 5 सेकंड्स कंप्लीट हो चुकी है। तो त्रिनेत्र में कौन सा समास है, बहुव्रीही। आप देखिए बहुव्रीही समास क्या होता है, जिसमें किसी शब्द का मीनिंग कुछ और निकले। आप देखिए त्रिनेत्र, वैसे तो इसका मतलब क्या है, तीन नेत्र यानी कि तीन आंखें, लेकिन वो किन की थी, भगवान शिव की थी। आपको पता है भगवान शिव जी की तीन आंखें थी, तो किसी शब्द का कुछ और मीनिंग निकले तो हमेशा वहां पर बहुव्रीही समास होता है। समझाऊंगी आपको डिटेल में विद एग्जांपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है, वो भी प्रीवियस ईयर का। जिसने एनिमल हस्बेंड्री की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज देखी होगी वो इसका आंसर बहुत इजीली दे पाएगा। तो बताइए राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, इनमें से जोधपुर है, झांसी है, लखनऊ है या कानपुर है, आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। बस 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए टाइम अप हो चुका है, इसका आंसर होगा झांसी। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, झांसी में है। देखिए ये एनिमल हस्बेंड्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ओके, आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूली में तीखापन किस कारण होता है? तो बताइए मूली में तीखापन किस कारण होता है। आपको पता है हरियाणा पुलिस में इस टाइप के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं ये। तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए आइसोसाइनेट, कैप्सिसाइसिन, कुकुरबिटेसिन, सोलेनिन, बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा इसका, 5 सेकंड्स ओनली। चलिए टाइम अप होता है, इसका आंसर क्या होगा, आइसोसाइनेट। मूली में तीखापन आइसोसाइनेट के कारण होता है। और ये नीचे है जो कैप्सिसाइसिन, मिर्च में जो होता है ना वो जलन सी होती है, वो कैप्सिसाइन के कारण होती है। और ये कुकुरबिटेसिन है ना, ये खीरे में होता है, इसमें खीरे में कड़वापन होता है इसके कारण, ओके। UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार कौन से दो देश मंदी से प्रभावित नहीं होंगे? अब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मैं जानबूझ के आपके क्विज में करंट अफेयर्स भी डालने लगी हूँ ताकि आपके करंट अफेयर्स भी साथ साथ हो जाए, इंपॉर्टेंट हिंदी भी साथ हो जाए, आपको इंग्लिश की वर्ड्स भी याद हो जाए, इसलिए मैं क्वेश्चन अलग अलग तरीके के डालती हूँ। तो बताइए अमेरिका चीन, जापान अमेरिका, जापान भारत या चीन भारत, क्या होगा इसका आंसर? चलिए टाइम अप होता है, इसका आंसर होगा चीन और भारत। यूनाइटेड की रिपोर्ट के अनुसार चीन और भारत को दो ऐसे देश बताया गया है कि जो कि मंदी से प्रभावित नहीं होंगे, ओके। 13th क्वेश्चन, सुखना झील का निर्माण कब हुआ? अब ये भी हरियाणा का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, हरियाणा के पेपर में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सुखना झील का निर्माण कब हुआ था, बताइए सभी स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। वेरी गुड, जल्दी जल्दी। तो इसका आंसर क्या होगा, सन 1958, सुखना झील का निर्माण सन 1958 में हुआ था। और ये तो सबको पता ही होगा सुखना झील कहाँ है, चंडीगढ़ में है, ओके। सुखना झील का निर्माण कब हुआ, 1958 में हुआ, और सुखना झील कहाँ है, चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाईसाइकिल का आविष्कार मैकमिलन ने किया था, बताइए इसमें कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। और हाँ, हिंदी का आंसर देते देते ये सेंटेंस भी याद रखना है, क्योंकि बाईसाइकिल का आविष्कार मैकमिलन ने ही किया था, ओके। पेपर में पूछा जा सकता है कि बाईसाइकिल का आविष्कार किसने किया था, तो
तो बाईसाइकिल का आविष्कार किसने किया था? मैकमिलन ने किया था। अब ये लाइन मैंने इसलिए डाली है ताकि एक तो आपको एक इन्वेंशन याद हो जाए, साथ साथ इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर का है, और साथ ही आपको हिंदी का भी पता चल जाए। तो देखिए हो गया ना एक क्वेश्चन में दो दो चीजें याद आपको। तो बाईसाइकिल का आविष्कार तो मैकमिलन ने किया था, और इसमें वाक्य कौन सा है? अब आपको पता चल ही गया होगा इसमें कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है। ओके, क्योंकि देखिए अब इसमें ना तो और यूज हो रहा है ना इसमें दो वाक्य है। अगर और यूज हो रहा होता तो संयुक्त वाक्य हो जाता, और मिश्र वाक्य हो जाता अगर इसमें कोई दो सेंटेंस होते तो। ओके, और जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते कुछ भी नहीं है, तो कौन सा वाक्य हो गया, सरल वाक्य हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? अब ये क्वेश्चन मैंने पूछा तो नहीं है आपसे पहले, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता रही थी किसी में, तब मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे। अब जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ध्यान से सुनता है ना उसको इसका आंसर पता होगा। बताइए जल्दी से, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे इनमें से, जल्दी आंसर दीजिए, ए बी सी या डी, जल्दी आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। 15th का आंसर क्या होगा, दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग थे। पता होना चाहिए जितने भी वंश थे ना सबके संस्थापक पता होने चाहिए, पहले पहले राजा सबके पता होने चाहिए, और एक एंड वाले। ओके, इस पर भी स्पेशल वीडियो करेंगे कभी। मगध नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मगध नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जिसने इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स की वीडियो देखी है ना 6 महीने की, मैंने अब तक कंप्लीट 6 महीने के इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स की वीडियो बनाई है, क्योंकि आपको पता है हरियाणा के एग्जाम में क्लर्क के पेपर में बुक्स एंड ऑथर्स पूछे गए थे, इंडियन बुक्स एंड ऑथर्स, एक शिफ्ट में तो दो दो बुक्स एंड ऑथर्स पूछे गए थे। तो मगधनामा पुस्तक के लेखक कौन है, जिसने वो वीडियो नहीं देखी हो एक तो वो वीडियो देख लेना, 6 महीने के इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स हरियाणा के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसका आंसर है कुमार निर्मलेंदु। मगधनामा पुस्तक के लेखक कौन है, कुमार निर्मलेंदु। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? आप सारे इंपॉर्टेंट डेज भी आपको याद होने चाहिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, बताइए जल्दी से इसका आंसर। 26 अप्रैल, 28 अप्रैल, 3 मई या 4 मई, आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। 5 seconds कंप्लीट हो चुकी हैं, आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर क्या होगा, 3 मई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 3 मई को मनाया जाता है। अब अभी हाल ही में ना जो रेड क्रॉस दिवस है ना वो आने वाला है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी स्टूडेंट्स की रेड क्रॉस दिवस कब है, किस दिन है, जल्दी बताइए, इंपॉर्टेंट है वो भी, रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है, बताइए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोलर एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग, हिंदी वालों के लिए भी लिखा है, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में डाल रही हूँ मैं अब ताकि किसी स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। तो बताइए सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में कब होता है, ट्रांसपिरेशन के दौरान, फोटोसिंथेसिस के दौरान, डिफ्यूजन के दौरान या ऑस्मोसिस के दौरान, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, विसरण या प्रसरण, बताइए जल्दी से। 5 seconds कंप्लीट हो चुकी हैं, ऑप्शंस बोले तब तक ही, तो आई होप सबने आंसर दे दिए होंगे। चलिए आंसर मैं आपको बता देती हूँ, 18 का आंसर होगा बी, यानी कि फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। आपको पता है पौधे जो है सूर्य से प्रकाश लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण से उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन, संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दखल भारत में कब शुरू हुआ था? तो बताइए शून्यकाल भारत में कब स्टार्ट हुआ था, 1951, 1962, 1986 या 1994, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स, ए बी सी या डी। 19 का आंसर क्या होगा, जब बताइए, 5 seconds ओनली। चलिए आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर क्या होगा, 1962। सन 1962 में शून्यकाल स्टार्ट हुआ था भारत में। ओके, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है तो याद रखिएगा। और आपको पता है जैसे हाल ही में जो सन होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस वैसे भी कुछ ज़्यादा ही पूछने लग गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज इन ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग, कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये। अब बताइए किस टाइप का कंप्यूटर यूज होता है एयरक्राफ्ट लैंडिंग में, यानी कि जो एयरक्राफ्ट लैंड कराते हैं ना, ऑटोमेटिक जो सिस्टम होता है कंप्यूटर में जो फीड किया हुआ होता है उससे जो एयरक्राफ्ट लैंडिंग है वो ऑटोमेटिक हो जाती है, तो कौन सा टाइप का कंप्यूटर यूज होता है उसमें, जनरल कंप्यूटर यूज होता है, सुपर कंप्यूटर यूज होता है, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर यूज होता है या माइक्रो कंप्यूटर यूज होता है, बताइए जल्दी से। 20th का आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी, जल्दी 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 आंसर दीजिए। चलिए आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर क्या होगा, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। अब ये जो स्पेशल पर्पज कंप्यूटर होते हैं ना ये यूज ही इसलिए होते हैं क्यों
किसी भी स्पेशल पर्पस के लिए, जैसे कि एयरक्राफ्ट लैंडिंग है या और भी कोई स्पेशल पर्पस, मतलब इनमें ये यूं नहीं यूज़ होते कि नॉर्मल इंसान इनको यूज़ करता है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए ये कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो आज का हमारा क्विज यहीं पर समाप्त होता है। सभी स्टूडेंट्स जल्दी से अपना स्कोर टाइप कर दीजिए। चलिए जल्दी जल्दी स्टूडेंट स्कोर टाइप कीजिए अपना, कर दी जल्दी 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 जल्दी। और हाँ, बहुत अच्छी बात है, कुछ स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताते हैं हमेशा, बहुत अच्छी बात है। आपको क्वेश्चन की नॉलेज डीप में ही होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चंस घुमा के भी पूछ लिए जाते हैं पेपर मैच ऐसे, तो वैसे भी आजकल घुमा के ही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हर इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए आपको। तो जल्दी से आई होप सबने स्कोर टाइप कर दिया होगा। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट्स को जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। और हाँ, अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर किसी को किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। और हाँ, सभी स्टूडेंट्स देखिए, अगर आप अच्छे कमेंट्स करते हैं तो हमें भी सपोर्ट मिलता है। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और हाँ, अगर आपको कोई चेंज चाहिए, आपकी सहूलियत के अकॉर्डिंग मैं चेंज कर दूंगी, आप मुझे बोल सकते हैं आपको कोई चीज़ सही नहीं लग रही हो तो। ओके, क्योंकि मेरा पर्पज़ आपको याद कराना। तो कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट्स को ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसी लग रही है। जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल नोटिफिकेशन साथ में ज़रूर दबा लेना। और हाँ, जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज नहीं देखी है, मैंने हरियाणा की भी, इंडिया की भी और एनिमल हस्बेंड्री की भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज डाली है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां जाकर वीडियो जरूर देख लेना। ओके, थैंक यू, बाय बाय एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।